केंद्र सरकार के द्वारा कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाने के विरुद्ध दुर्ग में कांग्रेसियों ने आयकर भवन के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व विधायक अरुण वोरा, राजेंद्र साहू समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल रहे। अकाउंट फ्रीज किए जाने को लेकर कांग्रेसियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। उनके द्वारा लगातार इस बात का विरोध भी किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन को लेकर कांग्रेसियों ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष इस प्रकार से दी। के केंद्र की भारतीय की जनता पार्टी की सरकार राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से बुरी तरीके से डरी हुई है। न केवल डरी हुई है बल्कि भयभीत है, और इस वजह से वो जो निर्णय नहीं लेने चाहिए वो निर्णय करने में बाध्य हो गई है। आप देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान के वासियों ने कभी नहीं देखा कि राष्ट्रीय पार्टी के खातों को फ्रीज किया जाए, उसकी सहयोगी संस्था युवक कांग्रेस के खातों को सीज किया जाए। अभी लोकसभा के चुनाव सामने हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश की आज़ादी का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पारदर्शितापूर्ण काम किया है, और कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे लोगों के बीच में यह बात जाए कि कांग्रेस पार्टी अन्याय कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने न्याय ही किया है। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को देख के मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार भयभीत हुई है। 400 पार के आंकड़े देती है, 100 दिन का समय शेष है चुनाव को, और देशवासी इस बात को बताएंगे कि आपने केवल केवल घोषणाएं की है, लोगों को भरमाने का काम किया है। आज तक आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, आपने काला धन वापस नहीं लाया, 15 लाख आपने खाते में नहीं दिए। छत्तीसगढ़ की सरकार भी जो वायदे करके तो आई है, लेकिन अभी तक कोई वायदे पूरे करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखलाई दे रही है। तो ये सब प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है। आयकर ऑफिस के सामने पूरे देश में आज कांग्रेस जनों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग धरना देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। देश में लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है, और भाजपा की केंद्र सरकार विपक्षी दलों को जबरदस्ती परेशान कर रही है। चाहे वो ईडी की बात करे, चाहे DRI, चाहे इनकम टैक्स, चाहे आपका CBI के माध्यम से शासकीय जो उपक्रम है उसका दुरुपयोग करके भाजपा विपक्षी दल के नेताओं को और विपक्षी दलों को परेशान कर रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 6,000 करोड़ चंदा जुटाती है, जिसका कहीं कोई हिसाब नहीं है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मात्र 800 से 1,000 करोड़ रुपया चंदा जुटाई है। उसके खिलाफ ना कोई नोटिस दिए हैं, ना किसी तरह का सूचना दी है, और उसके बगैर सीधा खाते को सीज करना किस ओर इंगित करता है? ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि वो सभी मुद्दों पर विफल रही है। चाहे वो 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी महंगाई दूर करने की बात हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हो, चाहे किसानों को उसके फसलों का सही दाम देने की बात हो, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार विफल रही है। अभी महतारी बंधन में भी क्राइटेरिया ले आए हैं, 18 लाख आवास देने की बात किए, उसमें एक भी आवास आज तक भाजपा सरकार में नहीं मिला है। दूसरी ओर आपके बेरोजगारी भत्ता बंद कर दी गई है, 2 रुपये किलो में जो गोबर खरीदी होती थी वो भी बंद कर दी गई है। इन सब मुद्दों में वो घबरा गई है, इसलिए वो कांग्रेस के खातों को सीज कर रही है और कांग्रेस के नेताओं को जबरदस्ती परेशान करने का काम कर रही है, जिसका विरोध जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के द्वारा आज किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश में आज मोदी सरकार के तानाशाही जो रवैया है और मनमानी जो कर रहा है, उसके खिलाफ आज सभी सेंट्रल कार्यालयों के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कांग्रेस जनों के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो अकाउंट है और युवक कांग्रेस का अकाउंट है, उसको बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर किसी कारण के मोदी और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर फ्रीज कर दिया गया है। ये अलोकतांत्रिक कार्य जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है,
उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो गलती करता है वो गलती करता ही रहता है, और यदि सत्ता उसके पास है तो वो तानाशाह हो जाता है। वैसे ही मोदी जी जब से सत्ता में आया है निरंतर गलती पर गलती किया जा रहा है, और अपने गलतियों को छुपाने के लिए वो तानाशाही रवैया अपना रहा है। हर कार्यक्रम में उनका तानाशाह रवैया दिखाई देता है। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि अभी दो दिन के जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उसमें ऐसा बता रहा था कि उससे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता, मगर जिस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉल बांड के रूप में जो पैसा उन्होंने अपने उद्योगपतियों से लिया है, सबसे बड़ा चोर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और उसी को जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया उनके बनाए हुए कानून को, तो ये आक्रोश में आकर के कांग्रेस पार्टी के खाताओं को सील किया जा रहा है और बदला बुनाने की कोशिश किया जा रहा है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज सब सड़कों पर आए और हम सब इसका विरोध करते रहेंगे। आज का धरना प्रदर्शन इनकम टैक्स ऑफिस के सामने में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिना नोटिस दिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं संवैधानिक संकट के रूप में देखा जा सकता है, और भारत के इतने बड़े इतिहास में यह पहली बार है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के अकाउंट को फ्रीज किया गया है। आज का जो सरकार है मोदी सरकार, ये कहीं ना कहीं डरी हुई है, ये जानती है कि इनके तानाशाही रवैये के आगे लोग नहीं झुकेंगे, मगर इनकी जो सोच है ये परिलक्षित करती है कि संविधान का कहीं ना कहीं ये उल्लंघन करते रहेंगे और लोग इसको समझते रहेंगे। मगर सरकार को समझनी चाहिए बात कि आज़ादी के बाद से जो भी कार्य हुआ है कांग्रेस के द्वारा किया गया है, इसके विकास में योगदान कांग्रेस का सबसे बड़ा रहा है, तो राष्ट्रीय पार्टी के साथ में इस तरीके का कृत्य कहीं ये निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। आज एक दिवसीय का धरना प्रदर्शन किया गया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा, जिसमें हमारे सभी आदरणीय बड़े नेताओं लोग जिसमें अरुण वोरा जी, राजन साहू जी, अध्यक्ष गया पटेल जी और आर्यवर शामिल हुए थे। आज ये धरना प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय लेवल के जो खाते हैं उसको सील कर दिए गए हैं। युवा कांग्रेस राष्ट्रीय लेवल के खाते को सील कर दिए गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से उनके जो फैसले को धड़ाधड़ वो निरस्त करते जा रहे हैं उससे भयभीत हो चुके, डर गए हैं, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हुए हैं उसमें इतने लोग उनके समर्थन में किसान लोग, युवा लोग, सभी लोग, तो इसलिए डर गए हैं। भाजपा वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग डर गए, इसलिए डरने के कारण कुछ भी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही जिस प्रकार से हमारे खाते में जो एक एक सदस्य ने जो पैसा डाले थे वो कम से कम पैसा जो हुआ था उसके हिसाब के नाम से हमारे खाते को सील कर दिया, जबकि उनके खाते में 6,000 करोड़ रुपये होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इतना डरे हुए हैं, इनको लग गया है कि हम तो जो बोल रहे हैं 300 पार 400 पार, तो उनको समझ में आ गया है कि 300 400 पार कांग्रेस वाले का होने वाला है, हमारा नहीं होने वाला है। इसीलिए बहुत ज़्यादा कुछ भी हिटलर सही कर रहे हैं हम लोग,